Hello students, I am Suman Tevatiya. It is the fifth part of the lesson, the gold watch. तो इससे पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि जब वो वहाँ पे घड़ी चुराने की कोशिश करता है, चुराने की कोशिश में है, तो उसने देखा कि जो इंग्लिश मैन है जिसकी वॉच है वो भी चला गया है और वो अकेला वहाँ पर खड़ा है. उसने देखा कि वॉच अभी भी वहीं रखी हुई है, यानी कि वो पहन कर नहीं गया, तो उसे थोड़ा रिलीफ होता है, रिलीफ फील करता है कि हाँ ठीक है, वॉच तो रखी है. नेक्स्ट, ही वॉक टुवर्ड द ऑफिस. अब वो ऑफिस की तरफ को चला गया. पहले तो वो अलग खड़ा हुआ था, एक पिलर से लगा हुआ, अब वो ऑफिस की तरफ को चला गया. द ग्लास विंडो एज यूजुअल वॉज ओनली पार्शियली क्लोज्ड. उसने देखा कि जो ग्लास विंडो थी, शीशे वाली जो विंडो थी, वो अभी भी पार्शियली क्लोज है, यानी कि आधी खुली है और आधी बंद है, अभी भी अध खुली है. द गोल्ड वॉच वॉज ऑन द टेबल. उसने देखा कि जो गोल्ड वॉच है, सोने की घड़ी है, वो अभी भी टेबल पर रखी हुई है. हाउ इट ग्लिटर्ड. कितनी तेज से चमक रही थी, कितनी चमक थी उसमें, उस गोल्ड वॉच में कितनी चमक थी. हिज हार्ट बीट फास्टर. अब उसका हार्ट जो था और तेजी से धड़कने लगा. द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच एंड ही सिएस्टा ओनली बाई 4 o'clock. तो अपने मन में सोच रहा है वो कि जो इंग्लिश मैन है, यानी कि जिसकी वो वॉच है, वो कब आएगा वापस, आफ्टर लंच, लंच के बाद ही वापस आएगा अब तो. एंड ही सिएस्टा ओनली बाय 4 o'clock. और सिएस्टा बोलते हैं जो लंच के बाद या दोपहर के टाइम में हल्की सी झपकी ले लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसको सिएस्टा बोलते हैं. ऐसा नहीं कि आप रात को सो गए खाना खाने के बाद और कुछ आराम कर लिया तो वो सिएस्टा. जो दोपहर को खाना खाने के बाद आप आराम करते हैं, हल्की सी झपकी ले लेते हैं, नींद ले लेते हैं, दैट इज सिएस्टा. तो उसने कहा कि इंग्लिश मैन तो अब तो वो लंच के बाद ही आएगा, यानी कि थोड़ा सा रेस्ट करके ही आएगा. अ गुड अपॉर्चुनिटी. उसने कहा अच्छा मौका है, यही अपॉर्चुनिटी है कि मैं इस समय वॉच उठा लूँ, घड़ी चुरा लूँ, यही अच्छा मौका है. देयर वाज नोबडी अराउंड. उसने कहा चारों तरफ कोई है भी नहीं, इस समय कोई नहीं है. 1, 2, 3, 6 और 7 minutes passed. तो कह रहे कि इस समय इस तरीके से 1 minute, 2 minute, 3 minute, 4, 5, 6, 7 इस तरह से मिनट बीतते चले गए, यानी कि टाइम ऐसे पास होता चला गया, बीतता चला गया, और वो वहीं खड़ा रहा. सडनली शंकु थॉट सपोज समवन सीज मी. अब अचानक से सडनली शंकु ने सोचा कि मान लो, सपोज करो कि मुझे कोई देख ही ले, किसी ने मुझे देख ही लिया हो, कोई देख ही रहा हो मुझे इस समय. एज इन द पास्ट फ्यू डेज फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड. पिछले कई दिनों की तरह फियर ने, डर ने उसे पुश्ड कर दिया, आगे को धकेल दिया. पिछले कई दिनों से वो डरता आ रहा था, तो फियर ने उसको आगे को धकेल दिया. ही टुक अ फ्यू स्टेप्स लुक्ड अराउंड बट saw no one. उसने कुछ स्टेप्स, कुछ कदम आगे बढ़ाए, यानी कि थोड़ा वो आगे को चला. लुक्ड अराउंड फिर से चारों तरफ को देखा. जैसे मैं बता रही थी कि जब कोई गलत काम करता है या कोई स्टीलिंग वगैरह करता है तो बार बार चारों तरफ को देखता है, तो उसने फिर एक बार चारों तरफ को देखा. बट saw no one, लेकिन देखा कि कोई भी नहीं है, कोई भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है. प्रॉम्प्टेड अगेन बाई अर्जेंट नीड. प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड का मतलब बड़े विवश होकर के, बड़ी मजबूरी में, अर्जेंट नीड से, जो उसकी नीड्स थी, अपनी आवश्यकताएं थी, अपनी नीड से प्रॉम्प्टेड होकर के, मजबूर होकर के, विवश होकर के, ही वॉक टुवर्ड्स द रूम. वो रूम की तरफ को चला, उस ऑफिस की तरफ को चला. क्यों? क्योंकि जो शंकु था बाई नेचर ही थीप नहीं था, ये तो अपने प्रॉब्लम्स की वजह से घड़ी चुराना चाह रहा था, वरना थीप थोड़े ही था ये. वंस अगेन ही लुक अराउंड. उसने फिर एक बार से देखा. जब मैं बताया कि बार बार आदमी देखता है, तो उसने फिर एक बार देखा कि कोई चारों तरफ है तो नहीं, कोई इसको देख तो नहीं रहा. नोबडी वॉज देयर. तो उसने देखा कोई भी नहीं है चारों तरफ, तो कोई भी नहीं है, इधर उधर कोई भी नहीं है. अ शडर पास्ड थ्रू हिज वेंस. अब अजीब सी सिहरन सी उसके वेंस में, उसके नसों में दौड़ गई, जैसे डर की वजह से, डर की वजह से अजीब सी सिहरन सी उसके नसों में दौड़ गई, उसकी बॉडी में फील करने लगा, अपनी बॉडी में.
हिज हार्ट थ्रोप्ड, और उसका हार्ट जो था वो भी तेजी से धड़कने लगा, और तेजी से धड़कने लगा। वन सेकेंड पार्ट, इस तरीके से एक सेकेंड और बीत गया। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड एंड द गोल्ड वॉच वाज इन इट। तो फिर क्या किया उसने, अपना हाथ स्ट्रेच किया, आगे को बढ़ाया, और आगे को बढ़ा करके बस एक सेकंड के अंदर क्या था कि उसके हाथ में गोल्ड वॉच थी। इट मीन्स कि उसने हाथ डाल करके विंडो से वो गोल्ड वॉच उठा ली। नर्वसली हिज आईज मेड अप अ क्विक सर्वे। अब घबराई हुई आंखों से उसने फिर एक बार क्विक सर्वे किया। सर्वे का मतलब फिर इससे एक बार निरीक्षण किया कि कहीं ऐसा तो घबरा तो हो रहा था, तो उसने घबराई हुई आंखों से एक बार फिर देखा चारों तरफ कि कोई देख तो नहीं रहा है, किसी ने देखा तो नहीं उठाते हुए। नो वन वाज देयर एट ऑल। तो चारों तरफ कोई भी नहीं था। ट्रेम्बलिंग ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स। और कांपते हुए उसने जो गोल्ड वॉच थी अपने ट्राउजर्स की पॉकेट में रख ली। ट्रेम्बलिंग, अब यहाँ पे अंदर डिफरेंस समझ लीजिए आप कि ट्रेम्बलिंग और शिवरिंग दोनों का मतलब ही कांपना होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ट्रेम्बलिंग डर से कांपना और शिवरिंग ठंड से कांपना। दो तरीके से कांपते हैं, भाई आपको ठंड लग रही है जनवरी के मंथ में, आप जब कांपते हैं ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, तो वो दैट इज शिवरिंग। और जब आप डर से कांपते, डर में भी कांपते हैं आप लोग, तो जब डर से कांपते दैट इज ट्रेम्बलिंग। ये डिफरेंस है, मीनिंग सेम है लेकिन कंडीशन डिफरेंस है, इनकी डिफरेंट है कंडीशन इनकी दोनों की। ट्रेम्बलिंग ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स। तो कांपते हुए उसने जो वॉच थी वो अपने ट्राउजर्स की पॉकेट में रख ली। ही हेल्ड हिज ब्रीथ, उसने अपनी सांस रोकी, यानी कि एक मिनट को तो उसकी सांस ही रुक गई। एंड वो फॉरवर्ड इन हेस्ट, और तेजी से फिर आगे बढ़ गया, यानी कि वहां से तुरंत चल दिया, आगे बढ़ गया। आफ्टर अबाउट 10 steps, और लगभग वो 10 step ही चला होगा, 10 कदम ही आगे चला होगा। ही लुक्ड बैक, तो उसने पीछे मुड़ करके देखा। देन ही सॉ समवन वॉकिंग क्विकली अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर। तो तभी उसने देखा कि कोई ईस्टर्न कॉरिडोर की तरफ, उस बरांडे की तरफ, ईस्टर्न कॉरिडोर की तरफ कोई तेजी से आ रहा है। ऑब्वियसली ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर ऑफिस। ऑब्वियसली मीन्स क्लियरली कि वो टाइम ऑफिस की तरफ, जो टाइम कीपर ऑफिस की तरफ को ही जा रहा था। क्लियरली ऑब्वियसली स्पष्ट था कि जो वो पर्सन था वो टाइम कीपर ऑफिस की तरफ को जा रहा था। ही मच हैव सीन एवरीथिंग। अब यहाँ पे शंकु क्या सोच रहा है कि शायद इसने तो सब कुछ देख लिया, यानी कि मुझे चोरी करते देख लिया, शायद इसने सब कुछ देख लिया। परहैप्स ही वॉज हेस्टनिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन टू द गेट। अब ये कह रहा है, सोच रहा है अपने मन में कि शायद ये बड़ी तेजी से जो गेटकीपर है, जो वॉचमैन है, उसको बताने जा रहा, उसको इन्फॉर्म करने जा रहा कि मैंने इसको घड़ी चुराते हुए देखा, शायद ये इस तरीके से उसको इन्फॉर्म करने जा रहा है। ओ गॉड हैड ही बंगल्ड, कि ओ गॉड क्या मैं कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर बैठा, क्या मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी क्या। शंकु स्टूड लाइक अ पिलर पेट्रीफाइड, और शंकु जो था पत्थर की मूर्ति की तरह, लाइक अ पिलर, पिलर की तरह, पत्थर की मूर्ति की तरह बिल्कुल वहां पे ऐसे ही खड़ा रहा। द गोल्ड वॉच सीम्ड टू बर्न हिज पॉकेट लाइक अ बर्निंग सिंडर। अब जब उसने पॉकेट वो जो गोल्ड वॉच थी उसने अपने पॉकेट में तो रख ली, लेकिन अब उसको कैसा फील हो रहा था, अपने पॉकेट में गोल्ड वॉच रखने के बाद उसको फील हो रहा था कैसे, सीम टू बर्न हिज पॉकेट, जैसे कि उसकी पॉकेट जल रही हो। लाइक अ बर्निंग सिंडर, बर्निंग सिंडर जो अंगारा होता है, कि जलते हुए अंगारे की तरह उसकी जो पॉकेट जल रही थी। क्यों जल रही थी, क्योंकि उसने चोरी करके घड़ी अपनी उसमें रखी थी वॉच पॉकेट में, तो उसे लग रहा था कि अब उसकी पॉकेट जो थी जलते हुए अंगारे की तरह जल रही है। इट सेंट स्पार्क्स अलोंग हिज नर्व्स, और अब तो उसकी चिंगारी जो स्पार्क्स थी उसके नर्व तक भी पहुंच रही है, यानी कि घड़ी रखी हुई थी, यानी कि उसे जला रही है, वो जो वॉच थी उसकी पॉकेट में रखी हुई जला रही है, यानी कि जो उसके सिंडर्स अंगारे की जो स्पार्क्स निकल रही हैं वो उसकी वेंस को भी जला रही है, उसकी बॉडी को भी जला रही है। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पाइनिंग अराउंड हिम इन अ ब्लेजिंग फायर,
और उसे लग रहा है कि उसके पूरे वर्ल्ड में, यानी कि जो भी उसके आसपास का हुआ है, चारों तरफ हर चीज़ जल रहा है, हर चीज़ जल रही है, और चारों तरफ से उसे लपटों से घेर रखा है, यानी कि उसे अब हर चीज़ अपने आसपास सारी जलती हुई नज़र आ रही है, और ऐसे लग रहा है कि वो लपटों से, स्पार्किंग से चारों तरफ से घिरा हुआ है। फ्लेम्स अरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ द सैंड, फ्लेम्स अरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ द सैंड, उसे ऐसा लग रहा है कि रेत के हर कण से फ्लेम निकल रही है, चिंगारी निकल रही है, यानी कि आग ही आग दिखाई दे रही है चारों तरफ उसको। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, ठंडक के लिए तो कहीं भी छाया नहीं है, कोई शेड ही नहीं है कि कहीं थोड़ी राहत फील हो, कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा उसको। एवरीथिंग वॉज ऑन फायर बर्निंग बर्निंग, उसे ऐसा लग रहा था हर चीज जल रही है, जल रही है, जल रही है, जलती जा रही है, जलती जा रही है, ऐसा उसको फील हो रहा था। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन विल बी कंप्लीटेड नेक्स्ट टाइम।